क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इंसान तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू? आपको हिंदू का एक मजहब का ही नहीं पता, हिंदू क्या है? मुझे अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए? ये बात नहीं कर रहा, मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा, कलमा मैंने पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का? मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से, पर उनकी बात की जा रहे हो? ओ मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से। मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते। ये जो हमारे पाकिस्तानी पत्रकार साहब है ये पब्लिक के बीच में गए और ये जानने की कोशिश की क्या जो इन दो जिहादियों ने किया उदयपुर के अंदर वो क्या सही था या गलत था। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं, इंडिया में मुसलमानों को उनका राइट नहीं दिया जाता, लेकिन कल एक वाकया पेश आया जिसमें दो मुसलमानों ने एक हिंदू का सर काट दिया है। इस पर मैं पाकिस्तानियों से पूछूंगा, क्या अब भी मुसलमान महफूज नहीं हिंदुस्तान में? और देखते हैं पाकिस्तानियों की क्या राय है। तो इसमें ज़्यादा मीम वीम नहीं डालेंगे अपन, रोस्ट वोस्ट नहीं कर रहे इसको। आपका नाम? मोहम्मद रमजान। क्या करते हैं? जी मैं इधर हाईकोर्ट में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है, क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू हिंदू है ना, एक तो हिंदू है लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है? आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है, कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया ना भाई। क्यों अच्छा किया? कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो मैं आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? कल किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज है, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दिया है, इस पर अच्छा क्या किया भाई? अच्छा किया, अच्छा किया, मैं अच्छा, अच्छे बुरे किया उन्होंने, मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आप इनसे एक सभ्य इंसान की आशा रखते हैं ना तो आप सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरे आम सर भी काट दिया, पहले ये बताएं उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इंसान तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना। हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू? आपको हिंदू का एक मजहब का ही नहीं पता, हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो, आप हर बात क्या आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, ये हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है ना। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है मुसलमानों ने, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूं ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है, तब आपको नजर नहीं आते हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से, वो उनके पर्दे छीने जाते हैं उनके ऊपर। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। ओ भाई आप बार बार उनके बात बोली जा रहे हो, आप इंडिया से? मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे, सच बुरा लग रहा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते भाई, है अच्छा तो आप बात की होगी तो मुसलमानों के साथ। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का? मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से, पर उनकी बात की जा रहे हो? ओ मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से। मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते। आप मुसलमान ना होते मैं तुझे बताता, फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में, तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं।
जी देखे, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे काटेंगे, ठीक है मेरी बात सुनिए ना, क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं वहाँ पे हमारे जब आ गया था हमारी उधर से लाशें आती है हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म और जिन पे ठीक है। किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अक्वामे मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके इधर वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, आप महफूज नहीं महफूज, तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली, इतनी जुरत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में, क्योंकि जज्बा पैदा करता ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो महफूज। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे थोड़े लग रहे हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा, दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी करे ना जवाब, सवाल ये है आप, मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है या स्टेप लिया इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबल है कि वो कर सकता है, मैं ये बात कर रहा हूँ। वो हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये था, देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पढ़ता है क्या कहते हैं डाकर पढ़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे दो, तो वो क्या हरकत होती है? हरकत, हरकत चले डिफेंस ही कह लेते हैं आपके बकौल, मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं, इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है, चले यही बात लायक यार जुल्म ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं वहाँ पे, हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं उनकी। अच्छा, आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ, पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पर फिर वीडियो बनाए, बताएं ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखे ना जो पाकिस्तान नहीं देखी, नहीं देखी, देखी है ईमान वाले रहते हैं कैसे देखें, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, देखी हमने नहीं देखी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है? देखे ना जो हिंदू है ना हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं, आप कभी सिंध का विजिट करें वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे, आज सिर्फ 2% 1% रह गए हैं, वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो हमारे जो मुसलमानों के बर्मा में हुआ जो कुछ हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं सर आप, आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्वेश्चन करना बनता है, मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए, हम लोगों का मुतालबा है ठीक है कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए, चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे, मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा, एवरी एक्शन कॉज अ रिएक्शन, वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें, हिम्मत सिंपल दे रहे हो, दो लोगों ने मारा है तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं लाखों लोग उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? किसान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी एमएनए है और वहाँ को बकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनी काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं,
तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उनकी, मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, मैं बीजेपी की हुकूमत के हैं, मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पायलट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बा इज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है, वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए उसको शहीद करके उसको मार के, जितने हमारे कितने बड़े पुराने पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं, जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे बस में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन दोनों इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ, क्या इस तरीके से, क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? नफरतें देखिए, हम तो मान वाले, हम मुसलमानों ने बढ़ाई है नफरतें, उन्होंने बढ़ाई हुई। आपकी ये जो बातें, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? ये कहना मैं भाई, असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है, ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और अगर, और इस्लाम ने ये भी कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दफा कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी, मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा, शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। और पूरा वीडियो आपने देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग काफी समझदार है, काफी जानकार है, और वीडियो देखने के बाद में आप सब कुछ समझ चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। प्लीज थम्स अप, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन इफ यू आर नॉट येट।